एक्चुएटर बोली या कंट्रोल घर बोला जाता है उसको। तो अगर ये भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एक्चुएटर भी, अगर मान लीजिए क्या होगा कि एक्चुएटर को लोड के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से वो कंट्रोल होता है। तो एक्चुएटर अगर इनकेस आपका जो है नीचे बैठ गया, मतलब वो वाटर को सप्लाई आउट नहीं कर रहा है, रिटर्न लाइन में वापस नहीं भेज रहा है और एचयू के अंदर पानी स्टे करके रुका हुआ है, तो क्या होगा टेम्परेचर हमारा जो है हाई जाएगा। तो हमें एक्चुएटर को भी चेक करना है कि एक्चुएटर फुल ओपन है कि नहीं है। अगर ओपन नहीं रहेगा तो ये भी हमारा कूलिंग का प्रॉब्लम आएगा। हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो भी एचवीएसी टेक्नीशियन है वो नए हैं या पुराने हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एचयू और एफसीयू में अगर कूलिंग प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे और उसको कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में आज हम आपको फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे 10 से 11 प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, 10-11 प्रॉब्लम जो एचयू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और अगर उसको आपको ठीक करते हैं तो हमारा जो कूलिंग का समस्या आ रहा है जहाँ पे सप्लाई एयर को आप ये कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो एचयू एफसीयू है ये हमारा सेंट्रल एसी में आ जाता है, कहीं कहीं सेंट्रल एसी बोला जाता है, एचवीएसी बोला जाता है, चिलर फील्ड बोला जाता है। तो इसलिए हमने यहां पे मेंशन कर दिया सेंट्रल एसी, एचवीएसी, चिलर फील्ड में अगर हमारा कूलिंग का प्रॉब्लम होता है तो हमें क्या क्या चेक करना है। नॉर्मली जैसे कि हमारा एसी फील्ड होता है तो उसमें अपना स्प्लिट एसी, विंडो एसी और अपना डक्ट टेबल पैकेज तक ही सीमित रहता है और उसको हम लोग जो भी ट्रबल शूट होता है डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं। तो ये चीज हमने देखा कि यूट्यूब पे अभी तक तो इतना इस तरह से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके और आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा कि कितने लोगों ने इस टॉपिक पे बनाया है तो मैंने देखा कि इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है और बहुत सारा ट्रबल शूट के बारे में नहीं बताया गया है। नॉर्मली एसी पे, डीएक्स पे, पैकेज पे, सब पर किया गया है लेकिन एचयू पे बहुत सारा नहीं है। तो हम जो है आज फुली प्रैक्टिकल जो है आप लोगों को बताने वाले हैं और ये चीज हम इन फील्ड में काम करते हुए प्रॉब्लम को फेस किए हैं, उस हिसाब से हम आपको इस प्रॉब्लम को टोटल कैलकुलेट करके लिखे हैं। सबसे पहले अगर हमारा कूलिंग नहीं मिल रहा है जहां ए पर एचयू लगा हुआ है, जो भी सप्लाई सर्व्ड एरिया है, ठीक है, ऑफिस है, जो भी लोकेशन में फीडिंग कराया जा रहा है, सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एचयू में हमारा सप्लाई एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट होता है जो हमारा डक्ट के जरिए जो है एयर को वहां पे कूलिंग के लिए फिर भेजा जाता है। तो अभी हम लोग आएंगे एचयू के पास, सबसे पहले चेक करेंगे कि एचयू रन है कि स्टॉप है, वो बंद है कि चालू है। अगर बंद रहेगा तो कैसे भी वहां कूलिंग नहीं मिलेगा। ये नया टेक्नीशियन कैसे फॉलो अप करेंगे, एक एक बाय सीरियल बाय सीरियल प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। एचयू चालू है कि बंद है वो चेक कर लेंगे, अगर चालू है तो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, एचयू का जो प्री फिल्टर है, प्री फिल्टर ब्लॉकेज तो नहीं है, उसके साथ साथ बैक फिल्टर को भी चेक करेंगे। बहुत सारे जगह पे बैक फिल्टर भी लगा रहता है और ओनली कहीं कहीं पे प्री फिल्टर ही आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग दोनों चीज चेक कर लेंगे, अगर जहां बैक फिल्टर है वो भी देख लेंगे कि वो ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ये ब्लॉकेज है तो हम लोग इसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे तो फिर बाद में हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कूलिंग का, ठीक है। इसके चलते भी हमारा कूलिंग प्रॉब्लम होता है फिल्टर ब्लॉक होने से। तीसरा हम लोग चेक करेंगे एचयू का चिल्ड वाटर जो इनलेट टेम्परेचर है वो कहीं हाई तो नहीं है। अगर वो हाई रहेगा तो क्या है, वो भी हमको जो है एचयू के अंदर जो एफिशिएंसी चाहिए कूलिंग का वो नहीं मिलेगा। जितना अगर हमारा एचयू का डिजाइन 7 डिग्री टेम्परेचर पे किया हुआ है उसके अंदर चिल्ड वाटर इनलेट करने का, अगर उसको 8 डिग्री 9 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आ रहा है, जैसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस होने की वजह से भी जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो एचयू चिलर से आते आते एचयू तक जो है टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो अगर चिल्ड वाटर टेम्परेचर इनलेट हाई है तो भी हमारा जो है कूलिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि इनलेट टेम्परेचर हाई होने का क्या रीजन है, कहीं चिलर तो बंद नहीं है या चिलर से ही हमारा टेम्परेचर हाई तो नहीं मिल रहा है चिल्ड वाटर सप्लाई, तो भी वो हमारा प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। चौथा हम लोग जानेंगे कि एचयू का जो स्टेनर है वो अगर ब्लॉकेज हो जाता है, वाई स्टेनर होता है, ठीक है, एचयू में जो वाई स्टेनर लगा हुआ होता है अगर वो ब्लॉकेज हो जाता है तो भी जो है हमको ये कूलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये वाला जो है बहुत लोगों को ये चीज मालूम नहीं होता है स्टेनर का जो है ना, ये क्योंकि ये एवरी मंथ पीपीएम में नहीं आता है, ये एवरी मंथ हम लोग पीपीएम नहीं करते हैं, एक साल दो साल में हम लोग जो है ये, तो वाई स्टेनर ज्यादा टाइम लगे हुए रहने से
वो क्या होता है कि जो केमिकल फीडिंग वगैरह होता है चिल्ड वाटर के अंदर, बहुत सारा कुछ उसके अंदर अपना हार्डनेस वगैरह आ जाता है, अपना मिनरल्स कैल्शियम वगैरह रहता है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते 1 साल 2 साल में जो है ना वो स्टेनर को ब्लॉकेज कर देता है। आप अभी जो है अभी नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकली उसका डालने वाले हैं, ओपन करके कैसे उसको क्लीन करते हैं और कहाँ पे लगा रहता है वो तो आप लोग देख लेंगे। तो स्टेनर जो है स्टेनर के आगे पीछे बल्ब लगा हुआ रहेगा इनलेट में, तो हम लोग क्या करेंगे बल्ब को दोनों बल्ब को क्लोज करके और स्टेनर को निकाल करके जाली के जैसा होता है स्टेनर को निकाल करके हम लोग क्लीन करेंगे, तो बाद में क्या होगा वो हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इधर का वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। एचयू का वाई स्टेनर हम लोग ब्लॉकेज रहेगा तो भी कूलिंग का प्रॉब्लम आएगा, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ये लास्ट ऑप्शन में देखना है एचयू का मोटर रोटेशन रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है थ्री फेज का जो हमारा ये रहता है ना मोटर रहता है एचयू का, तो उसका रोटेशन भी रॉन्ग हो जाता है। जैसे क्लॉकवाइज घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने रहता है, उसमें क्या होता है कि थ्री फेज होता है रेड येलो ब्लू, तो ये थ्री फेज में क्या करना है मोटेशन मोटर अगर रोटेशन रॉन्ग हो गया तो क्या होगा कि एयर का फ्लो जो सप्लाई आगे जाना है वो नहीं जाएगा। वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, साउंड भी एचयू के अंदर आपको ज्यादा साउंड देखने को मिलेगा जब आप जाएंगे मशीन के पास, तो रनिंग रहेगा आपको मालूम नहीं चलेगा, साउंड भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा और जहां पे वो फीडिंग हो रहा है वहां पे जो डिफ्यूजर लगा हुआ है एयर सप्लाई जो होने के लिए, वहां पे आप कुछ टिश्यू पेपर वगैरह या कुछ कपड़ा रखेंगे तो वो क्या करेगा सप्लाई वाला जो है खींचेगा, क्योंकि वो उल्टा घूम रहा है वो खींचेगा, तो समझिए कि ये हमारा जो है काम बराबर अच्छा से नहीं कर रहा है। तो उसको कैसे हम लोग सही करेंगे, तो ये जो थ्री फेज जो मोटर के अंदर डाले हैं कॉन्ट्रेक्टर से निकाल करके, तो कॉन्ट्रेक्टर के पास या मोटर के पास या कहीं पे जहां पे भी हो ये दो फेज को रिवर्स कर देना है, चेंज कर देना है कोई भी एक दो फेज को, मतलब ब्लू को ये येलो जो है इसको ब्लू के जगह पे डाल देंगे, ब्लू को येलो के जगह पे डाल देंगे, या रेड को जो है यहाँ पे डाल देंगे, वाई को यहाँ पे डाल देंगे, ये हम लोग सिक्वेंस को चेंज करेंगे तो रोटेशन जो है हमारा सही हो जाएगा वापिस से, तो हम लोग वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ फेज को रिवर्स करके। एचयू का अगर हमारा बेल्ट लूज हो जाता है तो इस केस में भी जो है हमको कूलिंग एफिशिएंसी कम मिलेगा, क्योंकि जितना मोटर का स्पीड रन कराना चाहिए आरपीएम में उतना स्पीड में रन नहीं कराएगा, तो जो एयर का फ्लो है उतना फ्लो नहीं मिलेगा हम लोग को, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा हम लोग जानेंगे एक्चुएटर बोली या कंट्रोल वॉल्व बोला जाता है उसको, तो अगर ये भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एक्चुएटर भी, अगर मान लीजिए क्या होगा कि एक्चुएटर को लोड के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से वो कंट्रोल होता है, तो एक्चुएटर अगर इनकेस आपका जो है नीचे बैठ गया, मतलब वो वाटर को सप्लाई आउट नहीं कर रहा है रिटर्न लाइन में वापस नहीं भेज रहा है और एचयू के अंदर पानी स्टे करके रुका हुआ है, तो क्या होगा टेम्परेचर हमारा जो है हाई जाएगा, तो हमें एक्चुएटर को भी चेक करना है कि एक्चुएटर फुल ओपन है कि नहीं है, अगर ओपन नहीं रहेगा तो ये भी हमारा कूलिंग का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि फिर एयर का टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा हमारा। ये हो गया दूसरा, हम आठवां नंबर जानेंगे इनलेट प्रेशर लो है। अगर मान लीजिए इनकेस जितना प्रेशर अगर 3 bar या 4 bar का रेशियो का जो प्रेशर हम लोग जीपीएम में कैलकुलेट करके वो तो टनज के हिसाब से निकाला जाता है, वो आप साइड पर जाएंगे तो मान लीजिए एक 3 bar का मान लीजिए रेशियो है कि उसको एचयू को वाटर मिलना चाहिए प्रेशर में, अगर वो वाटर प्रेशर 2 bar मिलेगा तो क्या होगा जितना कूलिंग ज्यादा मिलना चाहिए उसका वाटर का उतना नहीं मिलेगा, प्रेशर ड्रॉप होएगा तो एचयू के अंदर जो है कॉइल के अंदर जो है पानी भी कम रहेगा, तो उस केस में भी जो है हमारा टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा, तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखना है। हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट मेथड में और आप लोग को इजी एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, इससे ज्यादा इजी हम नहीं कर सकते हैं खास करके इतना कम टाइम में, ठीक है। और दूसरा 9 नंबर हम लोग जानेंगे रूम हीट लोड ज्यादा हाई है। अगर एग्जांपल अगर पहले से अगर एक रूम में 10 लोग रहते थे उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है 10 लोग के हिसाब से या 5 कंप्यूटर इस हिसाब से डिजाइन किया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर बहुत सारा सामान डाल दिए या आदमी का क्वांटिटी बढ़ गया, तो अब क्या होगा कि जो डिजाइन था उसके हिसाब से वो हाई हो गया, तो उस केस में भी क्या कहते हैं हमारा टेम्परेचर हाई जाएगा, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। एचयू के अंदर तो फुल ओपन रहेगा, एक्चुएटर वगैरह ओपन रहेगा, कूलिंग मिलेगा भी, लेकिन जो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ये जो है टेम्परेचर इनलेट हाई होने का रीजन क्या है सबसे बड़ा कि अभी मान लीजिए 1000 टेम्परेचर टन का जो है डिजाइन किया गया है, 2 चीलर लगाया है 500 TR 500 TR का, इनकेस एक चीलर हमारा खराब हो जाता है तो फिर 500 TR का सिर्फ ओनली 1 चीलर रनिंग करेगा, उस केस में भी टेम्परेचर रिच नहीं होगा और जो आपका इनलेट टेम्परेचर है एचयू के अंदर वो हमारा हाई आएगा, ठीक है। ये हो गया, अभी हम लोग जानेंगे
दस नंबर जानते हैं एचयू क्वाइल अगर लीकेज है, एचयू के अंदर देखे होंगे कि बहुत सारा क्वाइल लगा हुआ रहता है, सेम विंडो अपना विंडो स्प्लिट सॉरी स्प्लिट का आउटर लीड देखे है ना, उस तरह से क्वाइल जो है सेम लगा हुआ होता है, एचयू के अंदर लगा हुआ होता है जिसके अंदर हम लोग वाटर का फ्लो कराते हैं और वो फिन्स के जरिए जाता है और उसके अंदर हमारा हवा जो है उसे कॉन्टेक्ट में आता है और जो है हमारा कूलिंग आगे मिलता है। तो अगर वो भी लीकेज जाता है तो वाटर क्या है ड्रॉप हो जाएगा, फिर ड्रेन लाइन से पानी ज्यादा जाएगा, वाटर लीकेज होएगा तो क्या है फिर हमको कूलिंग नहीं मिलेगा। लास्ट हम लोग जानेंगे 11 नंबर एचयू क्वाइल ब्लॉकेज है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिन सर्विस नहीं होने के कारण जो है एचयू के ऊपर जो है बहुत सारा स्केल आ जाता है, वो पानी जमा होते होते है ठीक है ना, और कुछ कचरा गंदा जिससे फिल्टर कभी कभी ज्यादा क्लीन नहीं हुआ वो क्या है गंदा में चलाते रह गए तो वो भी थोड़ा थोड़ा गंदा आता है क्वाइल के ऊपर आता है ठीक है, इसलिए फिल्टर लगाया जाता है कि क्वाइल ब्लॉकेज ना हो, क्वाइल खराब ना हो, क्योंकि क्वाइल कॉस्टली है, आप फिल्टर को है जल्दी जल्दी क्लीन कर सकते हैं। तो अभी अगर हमारा क्वाइल ब्लॉकेज हो गया तो जो हीट ट्रांसफर होना चाहिए मतलब जो एयर आ रहा है हीट जो रिटर्न एयर जो है वो टेम्परेचर उसका हाई है उससे कॉन्टेक्ट में हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो भी हमारा जो है रूम टेम्परेचर हाई जाएगा और जो है यहाँ से जो है एयर का फ्लो जो है टेम्परेचर हाई जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर इनके इसमें भी कोई डाउट्स रह गया है, अगर कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम होंगे एक दो जो कि अभी हम नहीं बता पाए, लेकिन इतना आप लोग मोस्टली चेक करेंगे तो इतना ही ज्यादातर मिलेगा, एक ही दो पॉइंट और होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, नहीं तो इतना आपको जो है अगर आपको इतना मालूम है इतना प्रॉब्लम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो एचयू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इंटरव्यू निकाल सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अभी जो है स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग हम जो है अभी रिसेंट में डाले हुए हैं तो वो आप जो है देख सकते हैं, आई बटन में आपका शो ऑफ करेगा तो आप लोग वो देखें। चले फिर अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और जो डाउट्स इसके बारे में बताएं ये आपको वीडियो कैसा लगा और क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में बताएं।